नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के ट्रैफिक पुलिस कर्मी रंजीत सिंह मंगलवार को ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने अपनी खास अंदाज में ट्रैफिक संभाला। इस दौरान जब उन्होंने डांसिंग मूव से ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया तो वाहनों के पहिए थम गए और लोग उनका वीडियो बनाने लगे। दरअसल डांसिंग कॉप रंजीत सिंह स्थानीय जवानों को एक दिन की ट्रैफिक ट्रेनिंग देने पहुंचे थे। यहां उन्होंने वीआईपी रोड, गांधी रोड पर तानसेन होटल तिराहा पर आधे घंटे तक डांस करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। उनके डांसिंग मूव देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ फोटो भी ली। डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को अवेयर किया। उनका कहना है कि ग्वालियर जिले में एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस साल ग्वालियर में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में करीबन 1,539 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 222 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 1,400 लोग घायल हुए हैं। आंकड़े रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार किए गए डाटाबेस के आधार पर है। वही रंजीत सिंह ने कहा है कि उनका मकसद है कि सड़क हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए। लोगों को चाहिए कि वह ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, क्योंकि आप अपने घर के हीरो हैं। घर पर कोई आपको इंतजार कर रहा है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।